कि ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसकी जयंती इस विश्व में 192 देशों में मनाई जाती है। जय भीम, जय भीम। जी महारैली का भी आयोजन वही है कि बाबा साहब के जो चाहने वाले हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब के जन्म उत्सव को इस तरह से मनाना चाहते हैं कि वो सारे देश में उनकी गूंज जाए कि ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसकी जयंती इस विश्व में 192 देशों में मनाई जाती है। वो तो केवल भारत में ही पैदा हुए हैं, लेकिन भारत के अलावा 192 ऐसे देश है जहां पर परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई जाती है। आखिर वो जन्म जयंती क्यों मनाई जाती है ना, अंग्रेजी शासन काल में भी बाबा साहब ने खुद लिनलिथ गो से ये प्रश्न किया था कि ये लिनलिथ गो जो वायस राय थे, ब्रिटिश वायस राय थे, उनसे बाबा साहब ने प्रश्न किया था कि क्या आप मुझे 500 ग्रेजुएट के बराबर मानते हैं। तो लिनलिथ गो ने कहा था कि हाँ, मैं आपको 500 ग्रेजुएट के बराबर मानता हूँ। और इस तरह से जो विद्वान, जो महापुरुष 500 ग्रेजुएटों के बराबर है, एक आठवीं पास आदमी, एक अंगूठा छाप आदमी उसके द्वारा बनाए गए संविधान के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करता है। तो इस रैली के माध्यम से और 14 तारीख को जो जन्म जयंती के जो रैली है, उस रैली के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के जैसा महापुरुष, जिस तरह से एक सूर्य निकलता है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, उसी तरह से सूर्य के बाद अगर कोई दूसरा सूर्य है जो इस भारत देश को रोशनी पहुंचा रहा है, तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ये बाइक रैली बौद्ध युवा संघ के माध्यम से रायपुर की जनता को, जिस रोड से हम गुजरे हैं, स्पेशली उस जगह से हम जहां वहां से गुजरे हैं जहां पर मुख्य रूप से दलित शोषित समाज के लोग रहते हैं, और वो दलित समाज के लोग जो है बाबा साहब के द्वारा संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को वो नहीं जान पाते हैं, और अपने अधिकारों को नहीं पहचानने के कारण वो अपने मताधिकार का प्रयोग और उनको जो इस देश में मौलिक अधिकार मिले हैं उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसी कारण आज इस बाइक रैली के माध्यम से हम रायपुर शहर के उन सभी निवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए जो संविधान लिखा, वैसा संविधान लिखने की ताकत विश्व में किसी एक की भी नहीं है। 100 लोग मिलके भी अगर उस तरह का संविधान बनाना चाहेंगे तो वो संविधान नहीं बन सकता, क्योंकि जहां पर भारत में विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया है। वो बाबा साहब की वैचारिक शक्ति है, वो बाबा साहब की बौद्धिक शक्ति है जिसके माध्यम से ये काम इस देश में हुआ। अगर बाबा साहब के द्वारा वो संविधान नहीं बनाया जाता और बाबा साहब को वो संविधान लिखने की अगर ताकत नहीं दी जाती तो इस देश में आजादी का पर्व जो है वो कभी शायद ही मनाया जा सकता है। जय भीम, जय भीम। प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस